हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आलू की सब्ज़ी। आलू की सूखी सब्ज़ी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई को गैस पे चढ़ा दिया है और अब मैंने इसमें तेल डाल दिया है और तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा हींग, उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच जीरा, थोड़ा सा राई और ये कटी हुई लहसुन है जो मैंने काट के रखा था उसको इसमें डाल रही हूँ, और ये लाल मिर्च है जिसको मैंने बड़े बड़े साइज में काट लिया है। आप चाहें तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं और छोटे टुकड़ों में भी काट सकते हैं। तो अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, चला लेंगे, हल्का सा ब्राउन करना है हमको मिर्ची और लहसुन दोनों को। सो अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़े से कढ़ी पत्ते और अभी मैं सभी को मिक्स कर दूंगी थोड़ा सा। तो अब ये है आलू जिसको मैंने छील के काट लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में, एकदम छोटे भी नहीं है, मीडियम साइज में है। तो अब मैं उसको इसमें डाल दूंगी और 1 से 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर हम इसको भूज लेंगे अच्छे से और मिक्स कर लेंगे अच्छे से। गैस का फ्लेम आपको मीडियम ही रखना है। तो अभी ये मिक्स हो गया है, अब हम इसको 4 से 5 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। तो अभी 4 से 5 मिनट हो गया है और मैं अब ओपन कर रही हूँ। ओपन करके एक बार इसको वापस से चला लेंगे। अब मैं इसमें मसाले डालूंगी। तो मैंने इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है, स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल दिया है। अब ये सभी मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं आलू की सूखी सब्जी सिंपल ही बना रही हूँ, इस वजह से इसमें हम ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे। सिंपल मसालों में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और अच्छी सब्जी बनके तैयार हो जाती है। तो हम सभी मसाले और आलू को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, 2 मिनट तक, 2 से 3 मिनट तक अच्छे से इसको भूज लेंगे। अब हम इसको ढक करके पकाएंगे। तो कम से कम आप इसको 10 से 12 मिनट के लिए ढक दीजिए। तो 10 से 12 मिनट हो गया है, मैं इसको ऊपर वापस से ओपन करके चेक कर रही हूँ ये पका है कि नहीं पका है। इसको आप चला चला के बीच बीच में चेक कर लेंगे, अदरवाइज नीचे से आलू जल भी सकते हैं। तो मैं अभी इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और चेक करके देख रही हूँ। तो अभी अच्छे से सब्जी नहीं पकी है, तो मैं इसको अभी 7 से 8 मिनट के लिए और ढक करके पका दूंगी। तो मैं अभी इसको ढक दे रही हूँ, गैस का फ्लेम मीडियम ही रखूंगी। तो अब 10 मिनट बाद मैं वापस से इसको ओपन करके चेक कर रही हूँ ये सब्जी पकी कि नहीं पकी। अभी हमारी आलू की जो सब्जी है वो अच्छे से पक चुकी है और हमारी सिंपल सी आलू की सब्जी बन के तैयार हो चुकी है। आप भी इस तरीके से आलू की सब्जी बना करके देखिए, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।